स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल फेट मैपिंग। ये एक शॉर्ट नोट्स है जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांसेस होते हैं। शॉर्ट नोट्स में ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, सो लेट्स बिगिन। द डेफिनेशन इज, दिस इज ए टेक्निक यूज टू अंडरस्टैंड हाउ एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड, डिफरेंशिएट एंड माइग्रेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो यह एक प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम एम्ब्रियोनिक सेल किससे विभाजित होते हैं, क्या अंतर होता है और इसके विकास के समय ये कैसे स्थानांतरित होते हैं, ये समझेंगे। इसे कहा जाता है फेट मैपिंग। तो ये नेचुरल फेट मैपिंग क्या है? तो ये है सेकेंड पॉइंट में, the natural fate mapping is the fate of each cell or group of cell which is mapped on the embryo, showing which part of the embryo will develop into which tissue and later in which organ। इसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाकर समझाने की प्रयास करूंगी। तो देखिए, ये जो नेचुरल फेट मैपिंग है, इसमें एक सिंगल सेल या फिर एक ग्रुप ऑफ सेल का एक पूर्व निर्धारित एरिया होगा एक एम्ब्रियो के अंदर, जो कि डेवलपमेंट के बाद एक पर्टिकुलर सा स्ट्रक्चर बनाएगा और अलग अलग मार्क किए गए एक ग्रुप ऑफ सेल्स आगे जाकर अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। तो इस प्रक्रिया को नेचुरल फैट मैपिंग कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू